देखते हैं जी, इंस्टेंस वेरिएबल क्या होते हैं, फिर इसकी एक प्रॉपर्टी को देखेंगे। सी इमेजिन करो, एक क्लास है मेरे पास, स्टूडेंट, ठीक है। स्टूडेंट क्लास के अंदर मैंने लेट से दो वेरिएबल ले रखे हैं, एक तो नेम लिया है स्टूडेंट का और एक लिया है एज लिया है, ठीक है। ये दो वेरिएबल मेरे पास है, फिर इनके गेटर सेटर्स या कुछ भी और भी ऑपरेशन परफॉर्म कराना था वो मेथड्स वगैरह ले रखे हैं। अब जब भी मैं क्लास के साथ जो भी वेरिएबल्स डिफाइन करता हूँ, पहली चीज उसको हम बोलते हैं इंस्टेंस वेरिएबल, ये ध्यान रखना। इनको बोलेंगे क्लास के साथ जो लग के आते हैं इंस्टेंस वेरिएबल। मीनिंग क्या होता है कि जब भी मैं अपने क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, ठीक है, तो उस ऑब्जेक्ट में ये सारे की मतलब एक अलग 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 कॉपी मिलेगी। ये जो वेरिएबल होंगे उसको उस ऑब्जेक्ट को एलोकेट होंगे और उसको इसकी सेपरेट कॉपी मिलेगी। कहने का मतलब क्या है कि जैसे मैंने पहली लाइन लिखी जी स्टूडेंट, ऐसे लिख रहा हूं मैं, है ना, S1 इक्वल टू न्यू और स्टूडेंट या इससे जल्दी उधर लिख लेता हूँ, 1 सेकेंड, यहाँ पर जल्दी लिखता लेट से मैंने लिखा स्टूडेंट S1 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, एंड मैंने पास किया है नेम, जो पास किया है मैंने लेट से पहला किया है कन्हैया, एंड लेट से इसकी एज क्या है 32, ठीक है। अब मैंने दूसरा पास किया S2 और लेट से अबू और लेट से 31 व्हाटएवर, और थर्ड आई पास्ट नेहा, लेट्स से 25 व्हाटएवर, ओके। तो तीन मैंने इंस्टेंस वेरिएबल, उस क्लास में स्टूडेंट क्लास में कितने वेरिएबल थे मेरे पास, दो वेरिएबल थे, ये क्लास स्टूडेंट और इसके अंदर मेरे पास थे, पहला था स्ट्रिंग नेम कॉमा इंट एज। अब मेमोरी के रेस्पेक्ट में क्या होगा जी कि ये जो S1 मैंने बनाया है, एक एक गोला बनेगा, इसमें नेम जो होगा वो आएगा कन्हैया, यहाँ पर सिर्फ के लिख रहा हूँ, है ना, और एज जो आएगी वो आएगी 32। तो S1 विल पॉइंट आउट हियर, ये जो S1 है दैट विल पॉइंटिंग आउट दिस। अब दोनों वेरिएबल है पर इस ऑब्जेक्ट के लिए यूज में आ रहे, OBJ1 के लिए, राइट। सेम गोज फॉर दिस सेकंड एग्जांपल कि एक और मैंने लिया, इसमें नेम जो आ जाएगा वो अबू आ जाएगा मेरे पास, राइट, ए लिख रहा हूं सिर्फ मैं, और एज लेट से 31 हो गई। ये S2 इज पॉइंटिंग आउट टू दिस वन, और S3 का लिया तो सेम वही एक और ऑब्जेक्ट बनेगा, नेम इसका नेहा आ जाएगा और इसकी एज जो होगा वो 25 ले लिया फॉर एन एग्जाम्पल। तो ये S2 जो होगा, सॉरी S3 जो होगा वो इसको पॉइंट आउट कर रहा होगा। तो हुआ क्या कि इंस्टेंस वेरिएबल की जितने हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसकी एक सेपरेट कॉपी होगी। ये सब चीजें मेमोरी के अंदर खेल रही है, ये मेमोरी है मेरी, तो एक एक हर ऑब्जेक्ट को, ये ऑब्जेक्ट 2 है इसको अपनी एक अलग कॉपी मिली, ये ऑब्जेक्ट 3 है इसको अपनी एक अलग कॉपी मिली, मतलब ये कंक्रीटनेस आ गई ना, एक जैसे एक क्लास चल रही है स्टूडेंट, पूरी एक क्लास जिसमें कन्हैया सेपरेट स्टूडेंट है जिसको मैं फील कर सकता हूँ, छू सकता हूँ, उसका नाम दे सकता हूँ, एज दे सकता हूँ, तो एक पूरा मेमोरी में एक उसका एक अलग से ब्लॉक बना और उसमें नेम और एज आया। ऐसे ही अबू का अपना पूरा एक ब्लॉक बना, उसमें नेम, S2 का ब्लॉक बना, उसका नेम और एज आया।
S3 का अपना एक ऑब्जेक्ट का ब्लॉक बना, उसका नेम और एज आया। तो कंक्रीटनेस में क्या हुआ, ये सारे इंस्टेंस वेरिएबल हुए। क्यों इंस्टेंस वेरिएबल बोला, क्योंकि हर इंस्टेंस के साथ वापस क्रिएट हुए ये। इस इंस्टेंस के लिए ये बने, इस इंस्टेंस के लिए ये बने, नाम उनका वही रहा नेम और एज, पर उनकी वैल्यू जो थी वो यूजर ने जैसी दी वो उसके लिए वो एप्लीकेबल होगी। इसके लिए कन्हैया और 32 दी, कन्हैया और 30 राइट। इंस्टेंस मीन्स ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वाले वेरिएबल, तो इसको बोलते हैं हम इंस्टेंस वेरिएबल। ये समझ में आता है, अभी तक कोई दिक्कत परेशानी इसमें? ठीक है, तो यही चीज मैंने यहां पर किया है कि लेट से कि S1 S2 S3 दिया, पहले मैं नेम कन्हैया एज दे दी, अबू एज दे दी, नेहा और एज दे दी, S1 S2 S3। तो अब इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं वन बाई वन बाई वन, और उनको एक्सप्लेन करता हूं मैं इंस्टेंस की क्या प्रॉपर्टी होती है। फॉर एवरी ऑब्जेक्ट सेपरेट कॉपी ऑफ इंस्टेंस वेरिएबल विल बी क्रिएटेड। ये पहला ऑब्जेक्ट है जी मेरा OBJ1, ये दूसरा है राइट, और ये तीसरा ऑब्जेक्ट है, इसकी एक सेपरेट कॉपी बनेगी। ये सेपरेट कॉपी बनी है जी नेम और एज की, तो हर बंदे को नाम और एज की एक सेपरेट कॉपी दे दीजिए इंस्टेंस की। तो फर्स्ट लाइन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, अभी हमने वही डिस्कस किया था। इंस्टेंस वेरिएबल को ऑल्सो नोन एज ऑब्जेक्ट लेवल वेरिएबल और मेंबर वेरिएबल। तो ये ध्यान रखिएगा कि इसको मेंबर वेरिएबल भी बोलते हैं और ऑब्जेक्ट लेवल वेरिएबल भी बोलते हैं। तो दैट टू नॉट कंफ्यूज, मतलब कॉमन जार्गन है, इंटरचेंजेबल इन जावा की। ऑब्जेक्ट लेवल वेरिएबल बना दो जी या मेंबर वेरिएबल बना दो जी इनको, तो दैट मींस वो जो जिससे भी बातचीत हो रही है वो इंस्टेंस वेरिएबल की बात कर रहा है, और क्लास के साथ में आते हैं, ये किसी मेथड के अंदर नहीं रहते हैं। शुड बी डिक्लेयर, अब ये थर्ड लाइन, विद इन अ क्लास बट आउटसाइड ऑफ एनी मेथड कंस्ट्रक्टर और ब्लॉक। तो किसी मेथड के अंदर नहीं रह सकते हैं ये जी, किसी भी कंस्ट्रक्टर के अंदर नहीं रह सकते हैं, फिर वो इंस्टेंस वेरिएबल नहीं कहलाएंगे, या किसी भी ब्लॉक जो स्टैटिक या इंस्टेंस ब्लॉक है उसके अंदर, किसी अलग से ब्लॉक के अंदर नहीं रह सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि इंस्टेंस वेरिएबल है तो वॉन्ट बी अ पार्ट ऑफ एनी मेथड और कंस्ट्रक्टर और एनी अदर ब्लॉक राइट। अब आगे बढ़ते हैं हम, ये चीज हम देख चुके हैं। इफ वी डोंट प्रोवाइड एनी वैल्यूज टू इंस्टेंस वेरिएबल देन दे आर इनिशियलाइज विद देयर डिफॉल्ट वैल्यू। तो ये हम पहले भी देख चुके कि जो इंस्टेंस वेरिएबल है, लेट से मैंने वहां पर कोई नहीं रखी होती कन्हैया और सॉरी जो नेम और एज को कोई भी चीज, तो क्या होता कि उनकी इंटीजर होता तो जीरो वैल्यू मिल जाती, डबल होता तो जीरो डॉट जीरो हो जाती, बूलियन होता तो फॉल्स मिल जाती, और ऑब्जेक्ट होता तो नल मिल जाती। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज रहती है इंस्टेंस वेरिएबल की। तो ये चीज भी हम कैन ओनली बी प्रिमिटिव टाइप और कैन बी रेफरेंस टाइप एज वेल, नो प्रॉब्लम इन दैट। सी रेफरेंस टाइप स्ट्रिंग इटसेल्फ अ क्लास, तो रेफरेंस टाइप भी हो सकता है। तो जैसे दोनों लिए थे ना मैंने इसमें, अब जैसे मैं एक एग्जांपल बना ही देता हूँ वहां पर, वन सेकेंड लेट मी क्लोज एवरीथिंग। और INSTL इंस्टेंस वेर डेमो, ठीक है। अब इंस्टेंस कह रहा हूं तो क्लास के साथ ही लेना पड़ेगा मुझे, जैसे कि इंट एक्स लिया, ये इंस्टेंस हो गया जी। एक बूलियन लेट से बी लिया और एक स्ट्रिंग एस लिया जी। अब ये शुरू के दोनों जो है वो प्रिमिटिव को रिप्रेजेंट करते हैं, इंस्टेंस कोमा प्रिमिटिव है, ठीक है। सेम गोस फॉर हियर ऑल्सो, और थर्ड जो होगा उसको रेफरेंस नहीं बोलेंगे, इंस्टेंस
ऑफ सम ऑब्जेक्ट टाइप, है ना, ये रेफरेंस है पर किसी ऑब्जेक्ट का है, किसी क्लास का है ना। स्ट्रिंग इज अ कंक्रीट क्लास, स्ट्रिंग इज डिफाइंड क्लास इन जावा। अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट टी प्रेस करता हूं, क्या बोला मैंने, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी प्रेस करता हूं, तो जावा की जितनी भी लाइब्रेरीज होगी वो मेरे पास आ जाती है। तो लेट से मैं करता हूं, वन सेकंड, और इसमें स्ट्रिंग किया जी मैंने, ये देखो ये पूरी क्लास जो डिफाइन की है जावा ने बनाई, जैसे मैं बना रहा था अपनी इंस्टेंस वेरिएबल डेमो, ऐसी जावा ने ये क्लास बना रखी, पूरा हम देख सकते हैं। तो एक कंक्रीट क्लास है जिसको हम यूज में ला रहे हैं, राइट, इट्स नॉट ए प्रिमिटिव टाइप। प्रिमिटिव टाइप होता, प्रिमिटिव टाइप होती तो ये कंट्रोल शिफ्ट टी में क्लास नहीं आती। अब मैं इंट को करता हूँ तो आई वॉन्ट सी एनी इंट हियर। इंटीजर इज अ डिफरेंट थिंग, ये अपने आप में एक अलग है, ये आई एन टी से कंफ्यूज मत होना, एक कैपिटल लेटर का आई एन टी किसी और का क्लास है, ए डब्ल्यू टी, टेक्सचर पेंट कंटेक्स करके खेल, उससे रिलेटेड है। तो दिस इज इट सेल्फ अ सम क्लास टाइप, राइट। अब हम बात कर रहे थे कि इनकी जब भी मैं, अब इनको एक्सेस करना है इनको, तो इनका एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा जावा के अंदर। लेट से मैंने ओबीजे वन बनाया है ना, और इक्वल टू न्यू कर दिया। अब मैं इनको प्रिंट करने की कोशिश करता हूं। अब ध्यान रखना कि ऑब्जेक्ट तो मैंने अभी एक ही बनाया है, ठीक है। अब मैंने पहला ऑब्जेक्ट बनाया जी, तो जिसको कि रेफर कर रहा है ओबीजे वन, ठीक है। और ओबीजे वन जो है, यहां पर एक एक्स होगा जी, एक बी होगा जी, और एक एस होगा, राइट। तो अब क्या है कि इसकी वैल्यूज को हम प्रिंट करने की कोशिश करते हैं कि है क्या ये ओबीजे वन डॉट एक्स, लिया एक्स लिया जी मैंने, लेट मी कॉपी एंड पेस्ट। किसी भी वेरिएबल को ऑब्जेक्ट के थ्रू डॉट ऑपरेटर से हम एक्सेस कर सकते हैं। अब मैंने डायरेक्ट नहीं लिखा था, उसके पीछे रीजन है, वो स्टैटिक उसके बीच में आ जाता है, तो स्टैटिक अभी हम डिस्कस करेंगे। बूलियन बी ले लिया जी और ये एस ले लिया। अब मैंने बोला था कि अगर इनकी वैल्यू कोई नहीं देते हैं तो डिफॉल्ट क्या होगी, डिफॉल्ट वुड बी जीरो हियर, इसकी डिफॉल्ट वुड बी फॉल्स हियर, हाँ, एंड नल, डेफिनेटली उसकी नल होगी। तो लेट अस ट्राई दैट, है ना, ये जीरो फॉल्स और नल आ रहा है यहां पर, राइट। अब मैं आगे बढ़ता हूं, अभी मेरे पास एक ऑब्जेक्ट बना, लेट से मैं एक ऑब्जेक्ट और बना दूं, इसको किया मैंने ऑब्जेक्ट टू, ठीक है। जैसे ही मैंने एक न्यू करके जितने भी किया है तो मेमोरी में एक और बन जाएगा, ये तो सॉरी मैं फिर हटा दिया, वो अपने आप आएगा। पहला ऑब्जेक्ट तो यहाँ स्टैंड करता ही था, जिसमें हमको एक्स की वैल्यू जो थी वो जीरो हो गई थी, वाई बी जो था वो मेरा फॉल्स हो गया था, एफ लिख रहा हूं सिर्फ, और स्ट्रिंग जो था वो नल हो गया था, राइट। और ये ओबीजे वन इसको पॉइंट कर रहा था। अब मैंने जैसे ही लाइन नंबर 15 लिखा, मेरे मेमोरी के अंदर एक और गोला बनेगा, एक और ऑब्जेक्ट बनेगा, तो इससे इसका कोई लेना देना नहीं, इसको फिर से एक सेपरेट कॉपी मिलेगी। इंस्टेंस को हमेशा एक सेपरेट कॉपी मिलती है हर ऑब्जेक्ट को, और ये फ्रेश कॉपी होती है, अभी पूरी खाली है, इसमें अपन जो चाहे वो लिख सकते हैं। तो जैसे मैं दूसरी चीजें लिखने की कोशिश करता हूँ इसमें,
लेट्स से ओबीजे टू डॉट एक्स में मैं असाइन करता हूं 10, ओबीजे टू डॉट बी को मैं देता हूं ट्रू, ठीक है, चेंज कर दिया मैंने, और ओबीजे टू डॉट एस को मैं देता हूं अबू, और अब वापस इसको प्रिंट करने की कोशिश करते हैं हम नए ऑब्जेक्ट को। तो पुराने वाली सारी चीजें इंटैक्ट है, उनसे कोई लेना देना ही नहीं, वो मेमोरी में अलग जगह पड़ी, तो कॉपी नई नई बनती जा रही है हर स्टूडेंट के साथ। अब इसको एक्सेस भी हम टू के साथ कर रहे हैं। इफ आई रन दिस प्रोग्राम, अर्लियर वुड बी फॉर ओबीजे वन इट वॉज जीरो एफ एंड नल, एंड फॉर ओबीजे टू इट वुड बी 10 ट्रू एंड अबू, राइट। तो ये देखिए, जीरो फॉल्स और नल, और ये 10 ट्रू एंड अबू। तो इट विल बी कीप वर्किंग समथिंग लाइक दिस ओनली। अगर मैं नया ऑब्जेक्ट लेता हूं तो फिर से वापस ये ड्रामा स्टार्ट हो जाएगा, नया ऑब्जेक्ट बनेगा। मैं क्विक ब्रेक लेता हूँ, दूध वाले भैया आ गए, फिर वापस हम स्टार्ट करते हैं ना। ओके, तो इंस्टेंस वेरिएबल क्लियर है? एनी डाउट सो फार विद रेस्पेक्ट टू द इंस्टेंस वेरिएबल? राइट, इन शॉर्ट हर ऑब्जेक्ट के साथ एक सेपरेट कॉपी मिलेगी इन इंस्टेंस वेरिएबल्स की, उसको, और उसमें डायनेमिकली जो भी वैल्यू हम देंगे वो एलोकेट होती रहेगी, राइट। अब हम बात करते हैं स्टैटिक वेरिएबल की।